हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके किचन। आज हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटनी, और ये चटनी बन रही है जी कच्चे आम और प्याज के साथ। और इसे बनाना भी बहुत इजी और फटाफट बन के रेडी भी हो जाती है, और सबका बनाने का अपना अपना तरीका है, लेकिन आज मैं आपको अपने तरीके से बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने आम ले लिए हुए हैं, और पहले मैंने इसे अच्छे से धो के रख लिया था, और अब हम इसे काट लेते हैं। पहले इसका जो छिलका है वो हम निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम इसको पीसीज में कट करेंगे। और हमारे यहाँ तो इसे माकड़िया कहा जाता है, और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपके वहाँ क्या इसे बोलते हैं। और पहले हम इसे छील के रख लेते हैं। पीलर से, नाइफ से, जैसे आपको ईजी लगता है, आप इसका छिलका पहले निकाल लें अच्छे से। और ये हमने दोनों आम छील लिए अच्छे से, और अब हम इसे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। और इसे मैंने देखे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया हुआ है, और ये हमने सारा काट के रख लिया हुआ है। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक ले लिया जी चॉपिंग जार। आप इसे जैसे आपका मन है आप इसमें बना सकते हैं, या ऐसे जो कूटने वाला होता है उसमें भी आप इसे बना सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया जी प्याज। प्याज भी मैंने दो मीडियम साइज़ के लिए हुए थे, और ये गया जी प्याज भी। और इसके साथ ही अब मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च, और ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप डाल दें जैसे आप खाना चाहते हैं। और ये डाल दीजिए मैंने हरी मिर्च भी ऐसे काट के, और इसके साथ ही अब मैं ऐड कर दूंगी पुदीना। और ये मैंने ऐड कर दिया जी पुदीना। पुदीना हमें इसमें ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा ही ऐड करना है। तो ये गया पुदीना भी। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ जी नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल दें। और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ हल्की सी लाल मिर्च। ज़्यादा हम इस लाल मिर्च हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, और हरी मिर्च वैसे ही हमने डाली हुई है, तो आप रेड मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसे पीस लेते हैं, और ये हमने चटनी पीस ली है, और देखें कितनी अच्छे से हो चुकी है। बस ये चटनी हमने थोड़ी ड्राई ही रखनी है, और ज़्यादा हम पीस लेंगे तो वो एकदम पेस्ट बन जाती है और लिक्विड हो जाती है, उस चटनी का टेस्ट नहीं आता है। हाँ, अगर आप मिक्सी में इसे बना रहे हैं तो आप सेम ऐसे ही करें, मिक्सी में भी ज़्यादा इसे ना चलाएँ, वरना वो भी पेस्ट बन जाती है, थोड़ी ड्राई ही रखें। तो ये हमारी चटनी बनके होगी जी रेडी, और कर लेते हैं अब इसे डिश आउट। और ये हमारी मज़ेदार टेस्टी टेस्टी आम और प्याज की चटनी एकदम रेडी होगी जी खाने के लिए। और बनाने में जितनी इजी है, खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। सच में इतनी टेस्टी बनके रेडी हो जाती है ना, कभी आपका सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता है ना, बस आप ये चटनी बनाएं, रोटी लें, साथ में लस्सी बनाएं, और बहुत ही टेस्ट आता है। और क्या दाल चावल के साथ आप खा सकते हैं, और साथ में अभी हम सैलेड खा रहे हैं खाली, तो सैलेड के साथ भी हम ऐसे देखें खीरे के साथ आप इसे खा सकते हैं, ऐसे खीरा काटें, खीरे के साथ आप इस चटनी को खाएं, तो बहुत ही टेस्ट आता है। तो आप इसे जैसा आपका मन है आप इसे बना के खा सकते हैं। ये दोनों देखें दाल चावल के साथ या रोटी के साथ या ऐसे खीरे के साथ, जैसा आपका मन है आप इसे बना के खा सकते हैं। तो चलिए फिर आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।